है पूरा, मेरे को पता ही था पानी भरा हुआ मिलेगा। चलते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग हो गई है और सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और रेडी हो चुका हूँ मैं। आज है सैटरडे और अभी चल रहा हूँ मंदिर। मंदिर नहीं गया हूँ मैं अभी, तो मैंने सोचा पहले ब्लॉग कर लेते फिर मंदिर चलते हैं। और अभी जाऊँगा मंदिर, आज है शिवरात्रि, भोले शंकर जी को जल चढ़ा के आएंगे। उसके बाद ब्रेकफास्ट करके निकलूँगा ऑफिस, और ऑफिस में देखते हैं आज क्या काम है। कल का जो काम मैंने पेंडिंग छोड़ दिया था रश की वजह से, वो आज करूँगा, दिन में निकलूँगा उसके लिए, वो काम भी करेंगे। और देखते हैं, और कहीं और भी निकलना बनता है तो कहीं और भी जाएंगे, जैसा होगा वो तो सब आपको ब्लॉग में पता लग ही जाएगा। और आज तो धूप निकली हुई है, देखते हैं बारिश आती है नहीं आती है, डिपेंड करता है। और अभी मैं फ़िलहाल चलता हूँ, ब्रेकफास्ट करते हैं, सॉरी मंदिर चलते हैं, उसका ब्रेकफास्ट करते हैं, निकलते हैं ऑफिस। और थोड़ी आज बॉडी वीक वीक सी लग रही है, पता नहीं क्यों, हो सकता तबीयत ख़राब होने वाली हो या क्या पता वैसे ही हो रही हो, देखते हो तो जैसा होगा पता लग जाएगा आपको, तबीयत ख़राब होगी या ठीक रहेगा। तो चलता हूँ फिलहाल मैं, फिर आपसे बातें करता हूँ, कहीं निकलते हैं फिर आपसे बातचीत करता हूँ। भाइयों, अभी निकला था किसी काम से, और इससे पहले तो मैं ऑफिस में ही था, और एक्चुअली मैं दिन में मुझे कहीं जाना था, दिन में मैं निकल नहीं पाया, क्लाइंट्स वगैरह आ गए थे। फिर थोड़ा सा इवनिंग में मैं निकलने लगा, उसी टाइम बारिश स्टार्ट हो गई, मैंने बाइक स्टार्ट कर दी, बारिश स्टार्ट हो गई। तो मैं सोचा हो सकता है बारिश रुक जाएगी, थोड़ी बहुत देर की होगी, तो मैं रुक गया था, बाइक को बंद करके रुक गया वहीं पर। तो जैसे रुका 5 मिनट बाद बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई, बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, रोड वगैरह देख के आपको लग ही रहा होगा बाइक पे भी तक पानी है, तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। तो फिर मैं निकल ही नहीं पाया, फिर मैं वापस ऑफिस में बैठ गया, ऑफिस में जो काम थे ऑफिस के काम वो सब करे, अब जाके बारिश रुकी है। तो फिर अब निकला हूँ मैं, जाना एक्चुअली मुझे कहीं और भी था, वो थोड़ा लॉन्ग रूट था और लेट हो गया वहाँ निकलने के लिए। तो जब तक पहुँचता तो फिर पहुँचने का फ़ायदा नहीं होगा, जिनको लाइट से मिलना था वो क्लाइंट एक टाइम तक निकल जाते हैं, जब क्लाइंट ही नहीं मिलते थे फ़ायदा क्या था जाने का। तो इसलिए मैं वहाँ का कैंसिल करके मैं अब यहाँ निकल रहा हूँ, जो कि शॉर्ट रूट पे मेरा काम था वहाँ जा रहा हूँ। क्या बात है, गाड़ी चिपका के चला रहा है, उसके साथ मच्छरी वाला ऑडियो है, चिपका के चला रहा है, मतलब बिल्कुल ही, मतलब इसके कमीशन नहीं छोड़ना। बारिश से सारा सिस्टम चेंज हो जाता है, एकदम से रश गायब हुआ था, एकदम से रश आया था रोड पर। ये जगह फॉर्च्यूनर अच्छा लग रहा है, देखो क्या मस्त ब्लिंक कर रहा है। फॉर्च्यूनर वाले की लाइट बढ़िया लगी मुझे, तो लाइट दिखाता हूँ आपको, अभी देखो, ये देखो अब ये हो गई, जब इंडिकेटर दिया था इसने तो इंडिकेटर की तरफ ब्लिंक कर रही थी उधर राइट साइड में, ये देखो क्या बढ़िया लग रही है, मज़ा आ गया फॉर्च्यूनर की लाइट देखते। तो ऐसी फोर्ड की उम्मीद है मैं भी लगवा दूँगा, लेकिन मेरे में जगह ही नहीं है, पीछे स्टेप नहीं है, आई एम सॉरी फॉर। तो भाई चल रहे हैं, देखते हैं हल्की हल्की बारिश अभी भी आ रही है, मेरे को लग रहा है बारिश तेज ना हो जाए मैं फंस ना जाऊँ जहाँ जा रहा हूँ। बस वाले भी ना अच्छा वाला चल रहा है, रुक गया, क्या हो गया भाई, किसने बुला लिया, चलते चलते ब्रेक मार दी, और बारिश का टाइम है सडनली ब्रेक कैसे कर दे। तो मैं कह रहा था हल्की हल्की बारिश अभी भी आ रही है, कुछ कुछ तेज और हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, अभी जैसा मौसम है उस हिसाब से लगा, देखो मौसम कितना काला हो रहा है, तो बिजली भी जमा करी है, तो उस हिसाब से लग रहा है बारिश आएगी तो तेज आएगी, मतलब अटकूंगा तो प्रॉपर ही अटकूंगा, फिर वो वाली कंडीशन है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हार्ड दो साइलेंसर, तो देखते हैं बारिश पर अटकता हूँ या निकल जाऊँगा, मैं उसे टाइम से आकर टाइम से वापस निकल जाऊँ, टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बारिश का कुछ नहीं पता। थोड़ा बहुत छोटा मोटा जाम तो मिलेगा ही, अब बारिश का टाइम है, जाम नहीं मिलेगा तब क्या मिलेगा, बस कोई कीचड़ मत फेंकना मेरे ऊपर, ये आगे चलने वाले व्हीकल्स ना कोई कीचड़ बहुत फेंकते हैं, मेरा वाइजर खुला हुआ है ना, मुंह पे ही आएगा कीचड़, तो ऐसा हो जाएगा मेरा मुंह पे कीचड़ उछाल देगा कोई, निकलूँ ना जगह नहीं है,
कैब है ये, लगा हुआ है कैब का कुछ मीटर वगैरह या पता नहीं कुछ और लगा हुआ सिस्टम। वो रिवर्स कैमरा है, रिवर्स कैमरा। ओके तो बारिश से ये हाल हो जाता है, देखो थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता है उधर, तो बहुत ज़्यादा जाम हो गया। वापसी में सोचा कहीं और से आऊँ। बहुत जाम है इधर तो, नहीं इतना भी नहीं है, उधर तक जाऊँ उतना तो जाम होते ही होता है। देखो बच्चे क्वांटिटी में भर रखे, पीछे पूरी गाड़ी फुल है। ये होता है यूटिलाइजेशन, इसमें आराम से 15-20 बंदे होंगे, दो तो चार बच्चे छः तो पीछे भर रखे डिग्गी में। ये तो ये होगा, एक ही बैठी बेचारी कोने में, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 बंदे ना पीछे गया और आगे जो 2-3 आगे बैठे वो अलग। क्या बात है, फॉर्च्यूनर वॉर्च्यूनर इनोवा विनोवा सबको छोड़ दिया, एक फर्स्ट रही कोने को। जहरा था 15-16 बंदे होंगे, 16 बंदे के आसपास गाड़ी में। क्या बात है, इको में क्या होती है बात। और एक आधा कोई इधर दबा हुआ तो वो दबा नहीं, वो क्या वो कोने बच्ची दबी हुई थी। ले लो हटा नहीं रहे लोग, अरे आए कर लो यार तुम, क्या बदतमीजी हो गया बिल्कुल ही। ठीक है एम्बुलेंस आती हुई खड़े हुए हैं, कैसे पागल लोग हैं। पावर डाल लेट हो, तो बड़े पागल लोग लगे खड़े हुए हैं। ठीक है एम्बुलेंस हॉर्न बजा रहे, सारन बजा रहे, हॉर्न दे रहा, सब कुछ दे रहा है, हटाई नहीं रहे। मन तो करो करके अभी बताऊँगा आगे कर। ऐसे दिमाग से पैदल लोग होते समझ नहीं आता। कभी ऐसा आपके साथ हो कि आप रेड लाइट पे खड़े हो तो पीछे एम्बुलेंस फंसी है, तो आप आगे कर सकते हो गाड़ी, पुलिस वाला भी कुछ नहीं करेगा। तो कभी इमरजेंसी कुछ ज़्यादा होगी तभी तो बेचारा हॉर्न भी बजा रहा है, सायरन भी बजा रहा है, सब कुछ बजा दिया उसने, फिर भी हटने को तैयार नहीं है लोग। ले भाई तू उड़ा कीचड़ है, ये बेकार होता है बम्पर, छोटे बम्पर देते हैं बेकार होते हैं, ये कीचड़ आता ऊपर तक। ये ठीक है पूरा ढका हुआ है, बम्पर में मड फ्लैप लगवाना जरूरी होता है, इस वजह से मड फ्लैप नहीं लगाते हैं लोग, मस्टर्ड फूट जाता है बंदे इग्नोर कर देते हैं, तो इसलिए लगाना जरूरी होता है ताकि कीचड़ लोगों के ऊपर ना जाए। अपनी गाड़ी भी गंदी होती है, खुद की भी ऐसी बात नहीं, खुद भी गंदी नहीं हो, खुद भी गंदी भी होती है। मौसम ठंडा हो गया फुल चिल्ड, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे को कोल्ड हो रहा है, आज हो जाएगा कोल्ड। वो अंदर से क्या था ना फीलिंग आ जाती है, वो फीलिंग आ गई है मुझे, कोल्ड वाली फीलिंग आ रही है, कोल्ड हो जाएगा। या तो आज मेडिसिन लूँगा तो क्या पता थोड़ा फर्क पड़ जाए, नहीं तो फिर हो जाएगा, तो हो ही जाएगा फिर सब कुछ। तो चलो आइए चलते हैं, पहले पहुँचते हैं जहाँ मैं जा रहा हूँ, काम करते हैं आज होकर, फिर आपसे बातें करते हैं। भाई जिस काम से कहा था वहाँ से वापसी आ रहा हूँ, निकल गया था, और अभी भी कावड़ वाले आ रहे हैं जो लेट हो गए हैं, वो सब अभी आ रहे हैं, मैंने अभी देखा, और देखो पानी भर गया, बारिश आई थी ना अभी, उससे अभी अभी से पानी भर गया। मुझे लग रहा मैं आगे जा रहा हूँ वहाँ पे पानी भरा हुआ ना मिले अंडर पास से मुझे। और एक्चुअली में शिवरात्रि ना कल की भी है और आज की भी है, तो इस वजह से ना लोग अभी भी आ रहे हैं, और अभी इवनिंग से कह रहे थे जल चढ़ना शायद स्टार्ट होना है, बहुत से लोगों ने उस हिसाब से कर रहे हैं, पंडित से पूछा होगा। तो अब 8 बजे से लेकर सुबह 10-11 बजे तक जल चढ़ने का टाइमिंग है, तो इसलिए लोग कुछ लोग लेट भी आ रहे हैं, और कुछ ने मॉर्निंग में चढ़ा भी दिया है जल। यहाँ लोग हमेशा ऐसे आते हैं और फील कराते हैं कि मैं रॉन्ग साइड जा रहा हूँ, जबकि वो रॉन्ग साइड आ रहे होते हैं। मैं उस वाले रूट से ऐसे नहीं गया वापसी, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक दिख रहा था मुझे, और ट्रैफिक बढ़ना ही बढ़ना था, मैं सोचा इधर से चलता हूँ। लेकिन इधर से मेरे माइंड में से एक बात रह गई कि हो सकता है अंडर पास में से पानी भरा हुआ मिले बारिश की वजह से, नहीं कि नहीं हफ्ते बारिश में ना रही है बेचारी। फिर कह रही शोरूम में खड़ी सही थी, बाहर निकाल दें और भिगा दिया पूरा, कीचड़ कीचड़ लगा दिया मेरे ऊपर।
अब देखता हूँ पानी भरा हो मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल भी गया तो भी निकलना पड़ेगा, नहीं मिला तो बढ़िया है, घर जाके पीऊँगा चाय। आखिर टेंशन फ्री इसलिए हो गया क्योंकि मेरे को पता है बारिश आने का पूरा चांस है, हो सकता है बारिश आ भी जाए तो मैं टेंशन निकल लें यहाँ से, रात को क्या पता बारिश आ जाए। बोले वो कवर जा रही है, दिखाता हूँ डाक कवर जा रही है शायद, ये डाक कवर है जो कि लोग आए हैं, कहाँ की है ये नहीं पता, तीसरी डाक कवर है। तो ऐसे होते डाक कवर लोग ट्रक में बैठे होते हैं, लाइट वाइट सब लगी हुई है और आगे इनकी गाड़ी भी होती है और एक बंदा लेके भाग रहा होता है कावड़ का जल, जो गंगा जल होता है वो लेके। ये देखो गिर गया बेचारा, कावड़ वाला गिर गया बेचारा, स्लिप हो गई स्कूटी। खुद कंट्रोल कर रहा है, डाक कावड़ है, डाक कावड़ ही है, आगे बंदा भाग रहा है इनका। तो एक बंदा टीम में से गिर गया था, अब पता नहीं दिल्ली के हैं कहाँ के हैं, ये शास्त्री नगर की डाक कावड़ है हमारे, सॉरी ये तो अपने एरिया की डाक कावड़ है। ये भाग रहे बंदे, वो हो सकता है इवनिंग का टाइम 8 बजे का टाइम तो जल चढ़ाने को रखा हुआ, तो ये जल लेके भाग रहे हैं। ये देखो दूसरे को दे दिया ना, ऐसे चलते डाक कावड़, तो भाई बहुत बढ़िया है। इवनिंग का जल चढ़ाने का देखो पानी भरा हुआ मिला है पूरा, मेरे को पता ही था पानी भरा हुआ मिलेगा, पानी भरा हुआ है पूरे में और लोग भाग रहे हैं अभी भी। बहुत बढ़िया, इवनिंग का जल चढ़ाने का टाइमिंग है इनका, इसलिए इवनिंग में इस टाइम भाप के आ रहे हैं, तो वही है 8 बजे का टाइम था, 8 बजे के अकॉर्डिंग आ रहे होंगे तो इवनिंग हो ही गई है, थोड़ा बहुत डिले तो हो ही जाते हैं, ट्रैफिक वगैरह आजकल हरेगा, पानी मिल रहा है ट्रैफिक मिल रहा है तो उसमें थोड़ा डिले हो ही जाता है। यहाँ पर कट तो है नहीं, कहाँ ले जाओ भाजी, इतना बारिश आ रही जबकि आपको मेट्रो के नीचे चलना हो। अच्छा लगता है मेरे को तो देख के कावड़ वाले भाग रहे होते हैं ऐसे, लेकिन मेरे डाक कावड़ हम तो हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि भाई उनको अपने अकॉर्डिंग चलना है, अपने अकॉर्डिंग करना है, हम उसमें कोई हाथ नहीं बटा सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो चुपचाप देख सकते हैं। हार वाला साइड नहीं देगा, जितनी है लड़का यार, स्कूटी वाला गिर गया लेकिन कावड़ वाला वो गलत हो गया। तो भाइयों अब देखता हूँ घर पहुँच के कुछ काम आता है नहीं आता, कुछ काम होता है चलो, कुछ काम होता है नहीं होता, काम होगा तो पहले वो काम करने हैं, नहीं तो फिर अपनी चाय पीऊँगा इवनिंग वाली, उसके बाद देखते हैं आराम करना है क्या करना है, बारिश आती है क्या होता है। लेट हो रही है, ग्रीन होएगी फिर चलते हैं, चलो भाइयों ग्रीन हो गई है चलते हैं, हम भी सब चलेंगे, हम भी चलेंगे सभी चलेंगे, क्योंकि तो पीछे खड़े होने का मतलब तो यार पहले आगे वाला बंदा चलेगा तभी तो हम चलेंगे ना।
बारिश की वजह थोड़ा ट्रैफिक हो गया रोड पे, पेट्रोल की लाइट जल रही, पेट्रोल डलवा डलवा ना, पेट्रोल डलवाऊंगा फोन नहीं आता। कॉल आ गई, पहले कॉल अटेंड करते हैं तो फिर मेरी वीडियो ब्लॉग ही बंद हो जाएगा। चलो भाइयों कॉल अटेंड कर लिया और अब निकल गया हूँ यहाँ से। और अब चलूँगा घर, कॉल आ गई थी, कॉल अटेंड करनी जरूरी थी। एक्चुअली मैं हेलमेट की ग्रिपिंग बंद नहीं हुई थी तो इसलिए मैं पहले वो बंद करा था। तो अभी है पेट्रोल बड़ी जल्दी ख़त्म हो रहा है इसका, तो अभी सर्विसिंग का टाइम भी आएगा, 3,500 किलोमीटर में सर्विस करवा लेता हूँ मैं, तो देखते हैं करवाएंगे जैसे टाइम मिलेगा। और अभी चलता हूँ, पहुँचता हूँ, फिर आपसे बातचीत करते हैं। भाइयों मैं आ गया था घर पर, और घर पे आके आप करूँगा रेस्ट, और मंदिर होके आया हूँ मैं, टीके लगा हुआ है, और आइज पता नहीं रेड हो रही है, मेरे को लगा कोई इन्फेक्शन हो गया, मुझे कोल्ड सा भी लग रहा है और आइज भी थोड़ी रेड रेड सी हो रही है। देखता हूँ आई ड्रॉप डालूंगा, और कोई इश्यूज़ हुए तो डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। फिर तो चलता रहता है, अब सीज़न ऐसा चल रहा है, बारिश का सीज़न है, डिजीज़ वगैरह कुछ ना कुछ हो जाती है, पता नहीं क्या इन्फेक्शन है, वो तो पता लगेगा बाद में। तो फिलहाल मैं चलता हूँ, इस ब्लॉग को करते हैं एंड, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई चीज़ों के साथ। कल या संडे थोड़ा लेट उठूंगा, देखते हैं, बाकी नींद तो खुलते, कोल्ड हो रहा है तो कभी भी नींद खुल सकती है। चलते हैं, कल मिलते हैं, बाय बाय, सब तक अपना ध्यान रखना, बाय बाय।